अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल। तो दोस्तों आज मुझे एक मसला पेश आ रहा है। आज तो सुबह से बिजली गायब है, ठीक है, लेकिन ईद को भी 2 दिन रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि जब ईद करीब आती है तो बिजली वालों का ये मसला आ जाता है, बिजली जो है नहीं छोड़ते, बिजली जो है काट देते हैं, ठीक है, और हमें बहुत सारा जो है मसला पेश आता है। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है, हम तो वैसे भी गुजारा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन और जो है आवाम जो है मुसलमान जो है कैसे गुजारा करेंगे, ठीक है। एक तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से गर्मी और बिजली ना हो तो बहुत परेशानी आती है, ठीक है। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद को तो बकाया 2 दिन रह गए हैं, ठीक है, बिजली को जो है छोड़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और दिन चाहे तो कर लें, ठीक है, बहाने बिजली वाले, तो ईद के दिन जो है मखसूस बिजली को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आवाम को मसला पेश ना आए। ठीक, बढ़िया था गुरु, ठीक है, और आवाम जो है खुशहाल रहे, ठीक है। गर्मी के दिन भी बहुत तेज़ हैं, मैं यही बताना चाहता था कि बिजली वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिजली छोड़। तो आपकी क्या राय है ये भी बताना है, ठीक है, कमेंट में, कि ईद के दिन बिजली ना छोड़ना, ठीक है, कैसा महसूस होता होगा, ठीक है, सब मुसलमानों को, और ऊपर से परेशानियां भी होती हैं, ठीक है, घर की और कामकाज की, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में, कि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।